आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन का सफर हो और चाय की चुस्की ना हो तो सफर अधूरा लगता है। चाय वाला चाय, 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 चाय चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा, चाय राम प्यारी, चाय बढ़िया। ये आवाज गूंजते ही यात्रियों का ध्यान उस ओर चला ही जाता है। एक जमाना था जब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टी स्टॉल सभी जगह चाय कुल्हड़ में बिका करती थी। चाय पीने के बाद फेंका गया मिट्टी का कुल्हड़ मिट्टी में ही मिल जाता, बिना धरती को नुकसान पहुंचाए। जमाना बदला और उसके साथ ही कुल्हड़ की जगह प्लास्टिक के ग्लास ने ले ली। लेकिन प्लास्टिक के ग्लास में ना तो कुल्हड़ की सौंधी खुशबू थी और ना ही शुद्धता। गर्म प्लास्टिक से कई बार हाथ जलता है तो वो अलग। यही नहीं, चाय के साथ खतरनाक केमिकल्स जिससे प्लास्टिक का ग्लास बनता है वो भी पेट में पहुंचकर असर दिखाता। तो चाय का सेवन करने के बाद फेंका गया प्लास्टिक का ग्लास धरती पर प्रदूषण का बड़ा कारण भी बनता है। तो कुल्हड़ के जाने से कुम्हारों का रोजगार छिन गया, सो अलग। कुल मिलाकर कहें तो कुल्हड़ के जाने से नुकसान ही नुकसान हुआ है। कहते हैं इतिहास दोहराता है, जल्दी प्लास्टिक के ग्लास की जगह एक बार फिर कुल्हड़ लेने वाला है। जी हाँ, कुल्हड़ वाली चाय की चुस्कियों के दिन जल्द ही लौटने वाले हैं। वो भी सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही नहीं बल्कि बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल और यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर भी कुल्हड़ वाली चाय लाने की तैयारी हो गई है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को इस बारे में एक खत लिखा है। अभी वाराणसी और रायबरेली स्टेशनों पर ही पकी मिट्टी से बने कुल्हड़ में चाय दी जाती है। नितिन गडकरी ने पीयूष गोयल से 100 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ को अनिवार्य करने के लिए कहा है। गडकरी ने हवाई अड्डों और बस डिपो की चाय दुकानों पर भी इसे अनिवार्य करने का सुझाव दिया है। ये जो 2 स्टेशन पर हमने कुल्हड़ चलाई, वो अभी पीयूष जी ने परमिशन दी थी। अब मैंने उनको पत्र लिखा कि 100 स्टेशन पर कुल्हड़ को आप मैंडेटरी करो। आज ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिए और आज मुंबई में मेरी कल बात भी हुई मंत्री जी से। स्टेट ट्रांसपोर्ट जितने उतने बस के जो अड्डे बने हुए हैं, वहाँ जितने 30 स्टॉल हैं, उनको ये मैंडेटरी करेगी वो कुल्हड़ यूज करें। अगर नितिन गडकरी के सुझाव को माना गया तो मॉल में भी आप कुल्हड़ में चाय की चुस्की का आनंद ले सकेंगे। नितिन गडकरी ने खादी ग्रामोद्योग आयोग को मांग बढ़ने पर कुल्हड़ बनाने के लिए जरूरी उपकरण मुहैया कराने के लिए कहा है। हालांकि आयोग ने पिछले साल कुम्हारों को कुल्हड़ बनाने के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक चाक दिए और इस साल 25,000 इलेक्ट्रिक चाक बांटने का लक्ष्य तय किया है। तो हमने खादी ग्रामोद्योग के द्वारा उसकी इक्विपमेंट हम लोग देते कुम्हारों को और बड़े प्रमाण पर इसका प्रोडक्शन करके जो हमारे कारागिर विशेष रूप से और पूर्व परंपरा से उन्हीं को हम लोग रोजगार देने के लिए उनको उपयोग करके कैसा करें हैंडलूम। जाहिर है सरकार गांवों में भी रोजगार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुल्हड़ आएगा तो स्थानीय कुम्हारों का चाक फिर घूमेगा। कागज और प्लास्टिक से बने गिलासों का इस्तेमाल बंद होने से पर्यावरण को हो रहा नुकसान कम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से प्लास्टिक पर रोक लगाने की अपील की। प्लास्टिक के कचरे का पहाड़ जिस तरह बढ़ रहा है उसे देखते हुए और बेरोजगार कुम्हारों को रोजगार दिलाने के नजरिए से सरकार का ये एक बढ़िया कदम है। जरूरत है इसे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक फैलाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।